हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर। और यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की। इतिहास में हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे और बहुत सारा डिस्कशन हमने कर लिया है। सिंधु घाटी का परिचय देख लिया, क्या क्या वहाँ पे प्रशासनिक व्यवस्था हो, सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक, किसी भी प्रकार की महिलाओं की स्थिति तक की हमने चर्चा कर ली, धर्म की भी बात कर ली, हर कुछ बात कर ली। हमने यहाँ एक तथ्य निकाला था सामने, जैसा कि विद्वान कह रहे थे, क्या कह रहे थे कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है भाई, वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भैया कैसी है, विकसित नगरीय सभ्यता है। ये जो विकसित नगरीय सभ्यता हम बात कर रहे थे, ये हमने भी जो डिस्कस किया उस डिस्कशन में हमें भी यही लग गया भैया कि फाइनली ये जो सभ्यता थी सिंधु घाटी की, ये विकसित तो थी ही, साथ ही साथ नगरीय सभ्यता थी। ये तो हमारे डिस्कशन में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों और बाकी चीजों पर चर्चा करने के बाद हमें समझ में आ गया। तो बात ये रही कि जब 4,500 साल पहले ऐसी कोई सभ्यता हुआ करती थी जो आज के जैसी, हमारे जैसी सभ्यता थी, विकसित थी, नगरों में सारी की सारी सभ्य जनजाति रह रही थी वहां पे, तो हुआ क्या, क्या हुआ आखिर ऐसा कि वो खत्म हो गई। तो हम यहाँ इस वीडियो पे बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भैया, किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे पतन की। एक सेकेंड, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बैकग्राउंड थोड़ा सा नीला कर लूँ, क्योंकि नीला मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पे हम बात करने वाले किसकी, पतन की। पतन मतलब समझ में आता है, पतन मतलब डिक्लाइन, खत्म। कैसे हो गई, क्या सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गई, उसकी हमें यहाँ चर्चा करनी। ठीक है, सो मूवी में तो आपने सभी ने देखा होगा बहुत अच्छे से कि भैया ऋतिक रोशन ने बहुत कोशिश करी और कोशिश करने के बाद कुछ तो कुछ हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम बता देते हैं। हालांकि वो भी एक बहुत बड़ी बात है, बड़े बड़े विद्वानों का अलग अलग मानना है, बड़े बड़े विद्वानों का मानना जो है, एक सर्व प्रमुख घटना जिसको कहा जाता है इसके खत्म होने का, वो कहलाता है बाढ़। बाढ़ समझ में आता है, बाढ़ मतलब जब पानी की तीव्रता। और सारे विद्वानों का एक मत तो नहीं है, लेकिन मैक्सिमम विद्वानों का एक मत इसी चीज पे है, जो वो कहते हैं बाढ़ आ गई। क्यों आ गई, क्या आ गई, उसके पीछे की घटना आपको मैं बता देता हूं। देखो यार भाई, ऐसा है कि कहां गया भैया सिंधु घाटी का नक्शा, ये देख रहे हो ना आप नक्शा, ये जो डॉट 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 आपको जितने भी दिख रहे हैं ना, ये सारे डॉट 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 मतलब वो साइट है। और साइट हमने देखा कि सिंधु नदी के आसपास। अब देखो यार, ये सिंधु नदी जा रही है, इसके बगल में झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, उस समय एक सरस्वती नदी भी जाती थी, वो सब। तो ये सारी ऐसी नदियां हैं जो कहां से निकल रही है, हिमालय से निकल रही है, समझ में आ रहा है, हिमालय। और हिमालय की नदियां जो है वो, हिमालय क्या है, बर्फ से ढका हुआ क्षेत्र है और ग्लेशियर बनते हैं, और ग्लेशियरों वाली नदियां हैं जो वर्ष भर बहती हैं, मतलब साल भर इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा रहती है। दूसरी समस्या ये है कि बरसात ज्यादा हो गई तो और अलग, ठीक है, गर्मी पड़ गई तो और अलग, क्योंकि गर्मी पड़ेगी तो वो ग्लेशियर पिघलेंगे और तेजी में पानी बनेगा, बारिश ज्यादा हो गई तो भी नदियों में से ही निकलना है। और भैया यहाँ पे हर प्रकार से समस्या क्या है, दोहरी मार है पानी की, बाढ़। तो एक बहुत बड़ा कारण यहाँ पे बाढ़ ले लिया जाता है कि हाँ भैया ठीक है, बाढ़ भी रहा होगा एक कारण, समझ में आई। तो यहाँ फिर से वापस उसी पेज पे चलते हुए, और यहाँ हम जो बात करेंगे वो किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, एक सेकंड, पतन की बात कर रहे थे। कहाँ है पतन, ओ पतन, आओ पतन, ओ पतन, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, पतन देख रहे थे, तो पतन में क्या समस्या हो जाती भाई साहब, कि बाढ़ को एक प्रमुख साधन या प्रमुख कारण मान लिया जाता है इनके खत्म होने का। लेकिन 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 ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रमुख कारण माना है, जैसे कि हमने मोहनजोदाड़ो की बात करी है। मोहनजोदाड़ो में जो बड़े बड़े पुरातत्व के इतिहासकार लोग गए हैं, सो उनका ये मानना है कि ये मोहनजोदड़ो शहर जो है, ये सात बार पुनः निर्मित किया गया है बाढ़ के बाद, मतलब 7 बार यहाँ बाढ़ आई, बाढ़ से वो सिटी खत्म हो गई, फिर से उसको नवनिर्मित करा, फिर रहे, फिर बाढ़ आई, फिर खत्म, फिर निर्मित, फिर खत्म, ऐसी 7 लेयर्स मिली हैं अलग अलग समय काल की मोहनजोदड़ो में, यानी 7 बार वो बाढ़ का प्रकोप झेल पाई। और आखिरी बार उनने कहा अब ना हो पाएगा भाई साहब, अब ना हो पाएगा हमसे, है ना। तो ये 7 बार तो मोहनजोदड़ो में ही बाढ़ के साक्ष्य में मिल चुके हैं कि ये सिटी में बाढ़
ज्यादा आती रहती होगी। ठीक है, इसके अलावा बाढ़ के अलावा कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं और भी हो सकती हैं। क्या प्राकृतिक आपदाएं केवल बाढ़ ही क्या, और कुछ भी तो हो सकता है? और कुछ में क्या, तो भैया उन्होंने कहा सूखा भी तो पड़ सकता है, लेकिन सूखा पड़ने के चांसेस बहुत कम है, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक आध जगह है जो जहां सूखा भी पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान के आसपास देखिए तब तक तो ऐसा बोलते हैं कि सरस्वती नदी बहती थी तो पर्याप्त तो रही होगी, लेकिन आज के समय में जैसे रेगिस्तान का इलाका हो गया है राजस्थान, हो सकता है कि शुरुआती तौर पर वहां भी उस समय शुरुआत हो गई हो और बाढ़ वाले माहौल बनने लगे हों, इसलिए हो सकता है खत्म हो गई हो, तो ये रीजन भी माना जाता है यहाँ पे जैसे कि प्राकृतिक आपदाओं में सूखा पड़ना। ठीक है, और इसके अलावा उन्हें कहा भाई हो सकता है कि बादल आदल फट गए हों, बिजली इजली ज़्यादा गिरने लग गई हो, नदियों के आसपास वाला इलाका हिमालय के पास वाला इलाका है तो हो सकता है ये भी कारण हो सकता हो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, ये भी मान लेते हैं कि बिजली गड़कना, बादल आदल, ये सारी चीज़ें भी हो सकती। फिर कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ लोगों का मानना ये है कि यहाँ पर हुआ है अटैक, किसका, विदेशी आक्रमण। क्या भैया, विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण के पीछे का क्या कारण है, तो कुछ विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, उनका कहना है कि भाई ये खुदाई में कुछ हमें हथियार भी मिल गए। अब हथियार ऐसे कि 10-12 तलवारें टाइप की चीज मिल गई हैं, तो 10-12 हथियारों से आप ये पूरी सभ्यता को थोड़ी खत्म कर दोगे, हो सकता है क्या? मेरा तो नहीं मानना है। हाँ, बहुत सारे इतिहासकार नहीं भी मानते इस चीज को, लेकिन कुछ इतिहासकार जिनने मेहनत करी है और ये सारे साक्ष्य निकाले हैं तो वो थोड़ी ना मानेंगे, है ना। तो एक थ्योरी प्रचलित है जिसको हम आगे पढ़ेंगे, इसको कहते हैं आर्यन थ्योरी। आर्यन थ्योरी जो है, आर्य सिद्धांत जिसको कहा जाता है, किसका आर्य सिद्धांत, आर्यन थ्योरी मतलब जो वैदिक काल, इससे आगे की सभ्यता हम पढ़ेंगे, नया टॉपिक जो पढ़ेंगे वैदिक काल, उसके जो लोग थे उन्हें आर्यंस कहा जाता है, आर्य कहा जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों को इन आर्यंस लोगों ने मारपीट के खत्म कर दिया। तो एक वो भी प्रचलित थ्योरी है विदेशी आक्रमण वाली, इसी से कनेक्ट कर दी जाती है। ठीक है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको नहीं मानते। और भैया बात करें, और क्या बात हो सकती है, तो और ये बात हो सकती है कि समय के साथ हो सकता है कि यहाँ पे समय का परिवर्तन होना चालू हो गया। समय मतलब मानसून और बाकी की मौसम गतिविधियां जो भी हैं, उनके कारण हो सकता है इनने शिफ्टिंग का फैसला कर लिया होगा, नहीं भैया अब इधर नहीं रहना, अपन आगे चलते हैं कहीं, तो भी ये सभ्यता नष्ट हो सकती। तो ऐसे प्रमुख कारण बहुत सारे अलग अलग बताए जाते हैं, लेकिन उनमें जो सर्वमान्य कारण है वो तो हमने किसको माना है, इसी रीजन को माना है कि बाढ़, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया नदियों के पास का इलाका था, नदियों के किनारों पर ये सारे नगर हमें मिले हैं, तो बाढ़ एक बहुत प्रमुख एरिया या प्रमुख कारण मान लिया जाता है सभ्यता के पतन के। ठीक है, तो चलिए पतन की अपने बात कर ली। अब कुछ विशिष्ट स्मरणीय तथ्य हैं, कुछ और चीजें हैं, इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं टेबल के माध्यम से। जैसे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि ये मोहनजोदाड़ो कौन सी नदी के किनारे है, या आज क्या लोकेशन है, कहाँ है मोहनजोदाड़ो, आज अगर हम जाना चाहें तो कहाँ जाना पड़ेगा, है ना, और कौन कौन से साक्ष्य वहां से प्राप्त हुए हैं, किस व्यक्ति ने इसको खोजा है, कौन से सन में खोजा गया, तो ये ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप सभी के दिमाग में आ रहे होंगे, तो वो भी मैं लाया हूँ इन्हीं विशिष्ट स्मरणीय तथ्यों में, एक एक करके हम सारी चीजों की चर्चा यहां करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, सो स्टार्ट तो हम वहीं से करेंगे जहां से होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो ये चीज की चर्चा हमने कर ली थी, सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे वो बहुत सारी धातुओं को जो क्या है आयात करते थे, आयात मतलब इंपोर्ट करते थे, इंपोर्ट मतलब खरीद लेते थे, ले लेते थे। तो हमने ये आर्थिक व्यवस्था की जब चर्चा करी थी उसमें बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको टेबल के माध्यम से भी बता दूं एक बार जो हमने डिस्कस किया हुआ था। देखो ये धातु है और ये धातु के आयात का स्थल मतलब कहाँ से लेने जाते थे, सो हमने बात करी थी चांदी की, है ना, चांदी की बात करी थी ना, चांदी कहाँ से मिल रही थी, अफगानिस्तान और ईरान में मिल रही थी, साथ ही साथ दक्षिण भारत और अजमेर में भी थी, लेकिन प्रमुखतया अफगानिस्तान ईरान पास पड़ जाता था, वहां से ले ली जाती थी। सोना की हम बात करें तो सोना हमने बात करी थी कर्नाटक, मैसूर मतलब कर्नाटक वाला, और कंधार और फारस में भी मिल जाता था। तांबा तो घर में ही था भैया, खेतड़ी राजस्थान में, फिर इसके अलावा तो सारा मिल जाएगा, बलूचिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, अरब देश हो, वहां भी मिल जा रहा था, लेकिन घर में है तो सस्ता मिल जाता था। टीन की बात करें, टीन मतलब टिन है, वो छोटा टी है, टिन, है ना, टिन कहां से, अफगानिस्तान और ईरान से मिल रहा था, राजस्थान में भी कुछ मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। जेड ये पत्थर हुआ करता है, जेड, ठीक है, ये मध्य एशिया और मैसूर में मिल जाता था। चमकदार लाजवर्द हो गया, पन्ना मूंगा गोमेद हो गया, ये कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, कश्मीर, राजस्थान, सौराष्ट्र, ईरान, अफगानिस्तान, इन सारी जगहों पर अलग अलग प्रकार से ये चीज़ें मिल रही थी। तो इनका क्या कर लिया जा रहा था, आयात किया जा रहा था, किसके द्वारा, सिंधु घाटी के निवासियों के द्वारा। ठीक है, देखिए प्रमुखता से क्या हुआ कि जब उस समय व्यापार करते थे तो
मेलुहा शब्द तो हमने चर्चा करी थी कि मेसोपोटामिया के लोग मेलुहा शब्द उन्होंने बताया है कुछ कुछ, तो वो भी कंफर्म हुआ नहीं है हालांकि, लेकिन ठीक है। तो इसके अलावा जो सिंधु के आसपास के लोग थे, जैसे आज हम भारत के लोग कहलाते हैं ना, भारतीय कहलाते हैं, ये सिंधु के आसपास के उस समय सिंधु घाटी के जो लोग हैं उनको सैंधव कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सैंधव, सैंधव, ठीक है। सो ये सैंधव जो है, आगे हमें वर्णन मिलेगा सैंधवों का, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और उस जगह को सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, मैं एक बार आपको यहाँ पे बना के बता दे रहा हूँ। ये जो जगह है हमारी, किसकी? सिंधु घाटी वाली। सो इस सिंधु घाटी वाली जगह में ये वाला जो पोर्शन है, ये यही तो है ना, ये यहाँ, ये ऐसा। तो ये वाला जो पोर्शन है, चूंकि हमने बात करी थी कि एक सिंधु नदी है, सिंधु नदी के फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये ऐसी नदियां जो है वो इनसे मिल जाती है। तो ये एक तो हो गई सिंधु नदी, है ना, सिंधु की ये पांच, एक झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, तो ये पांच नदियां, तो पांच ये हो गई, एक ये हो गई, छह, और एक और सरस्वती नदी भी निकलती थी उस समय की, सो ये सात नदियां। तो सात नदियों के प्रदेश को सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सप्त सैंधव, सिंधु के लोग हैं ये, तो सैंधव बोल दिया जाता है इनको, और इस जगह को सप्त सैंधव प्रदेश। ये अभी नहीं, ये आगे वाली चीज में डिस्कस होगा, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में जब वैदिक काल हम पढ़ेंगे तो वेदों में इस चीज को लिखा गया है कि भैया ये जगह जो हुआ करती थी सप्त सैंधव प्रदेश कहलाती थी, और यहाँ के निवासी सैंधव कहलाते थे। किसने लिखा है ये? आर्यन ने लिखा हुआ, हम डिस्कस करेंगे इसको, तो एक नाम ये भी हमें यहाँ मिल जाएगा। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ की धातुओं को आयात किया जाता था सैंधव वासियों के द्वारा, कहाँ कहाँ से क्या क्या, ये तो हमने हालांकि आर्थिक में भी कर लिया था, लेकिन मैंने कहा एक बार ये आपको फिर भी बता दूँ। चलिए, इसके अलावा जो हम बात करेंगे यहाँ पर, लिपि की तो हमने बात करी ली थी, है ना, 1853 में क्या किया गया था, खोजी गई लिपि थी ये, लिपि की हमने चाहता भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक मतलब भाव को चित्रों के माध्यम से पढ़ाते थे। हड़प्पा में चित्रग्राफों की संख्या 250 से 400 के मध्य है, मतलब वही जो 250 से 400 क्या है, इसमें चित्र हैं अलग अलग, जिनको अल्फाबेट्स हमने बोला, वर्णमाला के वर्ण बोला वो हैं, और नील रत्न बदक्सा, नीलमणि महाराष्ट्र, सुलेमानी पत्थर सौराष्ट्र और पश्चिम भारत से, हरितमणि दक्षिण एशिया से, शंख कौणिया सौराष्ट्र से और दक्षिण भारत से आयात होते थे। आयात की कुछ और चीज़ें हैं जो लिखी हैं, कौणियाँ चलती थी ना, कौणियों के दाम बोलते थे उस समय, ये धात मतलब ये व्यवसाय का या व्यापार का क्या है, ये वाटर सिस्टम में उस समय मुद्रा के रूप में कौड़ियाँ चलती थी, है ना। सो ये अलग अलग है, हरितमणि, नीलमणि, नील रत्न, अलग अलग रत्न, ये जो हम आजकल पहनते हैं ना नौ रत्न, मूंगा, माणिक, है ना, पन्ना अन्ना, वो अलग अलग प्रकार के चमकीले ये यहाँ से लाते थे, ठीक है। विदेशी व्यापार में बहुत सारे स्थल और वस्तुओं का व्यापार यहाँ पे होता था, जिनकी हमने डिस्कस कर ली है, सेम वही चीज़ें हैं जिसको हमने देखा है। विदेशी व्यापार की अगर बात करें तो तांबा जो है सीमा प्रांत बलूचिस्तान खेतड़ी राजस्थान का है, सीसा राजस्थान खेतड़ी कश्मीर में मिल जाता था, चांदी, ये वही चीज़ को जो है, और भी क्या कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें यहाँ पर, लेपिस लाजुली, समुद्री कवक, स्वर्ण सफाई, सोना, लकड़ी, गोमद अन्य पत्थर, ये यहाँ से क्या हो रहा है, इनका आदान प्रदान हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे कांसे की बनी हुई उत्खनन से मूर्ति प्राप्त हुई है, जो नर्तकी की मूर्ति है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया था, दिखाया भी था आपको उत्खनन में, ठीक है, और एक हाथ कमर पर है और दूसरा बाएँ पैर पर, ठीक है, ऐसा है, और सिर पीछे की ओर घुमा हुआ है। सिंधु में बूटोस्फेदन पद्धति में लिखी गई लिपि है, बूस्ट्रोस फैशन, मतलब हम बात कर रहे हैं, आपको तो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाव चित्रात्मक है, जिसको पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं, और इसमें क्या होता है, ये जो लिपि लिखने का तरीका बता रहे हैं, एक जो पहली पंक्ति है वो दाएं से बाएं होती है और दूसरी बाएं से दाएं होती है, ये कंटिन्यूएशन इनका ऐसे चल रहा है लिखने का, है ना, मतलब शुरुआत यहाँ से करी आपने, इधर से लिखना आपने स्टार्ट किया और फिर उसी को बड़ी लाइन है तो इधर आ गए घूम के और फिर इधर चलेगा और ख़त्म करने के बाद फिर शुरू यहीं से हो रही, तो इसको क्या बोलते हैं, बूस्ट्रो फेदन, ये सिस्टम होता लिखने का। चलिए, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे सभ्यता के जो स्थल है मेन उन पर नदियाँ बसी हुई, और नदियाँ जो है, नदियों के किनारे ये स्थल हमें मिले हैं। सो प्रमुख रूप से जैसे हम बात करें हड़प्पा, तो हड़प्पा हमें रावी नदी के किनारे पर मिलता है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर ही पूर्वी किनारे पर पड़ता है, सुतकागिंड और दास्क ये नदी है, ठीक है, पूर्वी किनारे पर मिलता है, रंगपुर भादर नदी का नाम है जहाँ मिलता है, रोजदी भादर पे है, मालवड़ ताप्ती नदी पे है, ताप्ती कहाँ है, मध्य प्रदेश में बहती है लेकिन वो गुजरात के पास वाला क्षेत्र है, आलमगीरपुर हो गया हिंडन नदी के पास,
कालीबंगन घग्गर रिवर पे है, बड़गांव और अंबाखेड़ी मस्करा पे है, लोथल भोगबा रिवर पे है, रोपड़ सतलज रिवर पे है, चनहूदड़ो सिंधु पे है और बनावली सरस्वती नदी पर पाया जाता है। विद्वानों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को टिन का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। टिन क्या है कि देखो बहुत ही ढीली धातु, हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी है, अगर आपने देखा होगा वो मानव सभ्यता का विकास वाली वीडियोस, तो हमने बात करी है कि मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु जो है वो क्या है, वो तांबा है। लेकिन तांबा बहुत भारी धातु हुआ करती थी और उसका ज्यादा प्रयोग कर नहीं पाते थे, कठोर भी ज्यादा हुआ करती थी। फिर दूसरी जो मानव ने धातु खोजी वो थी टिन। टिन मतलब तीन टप्पर वाला, वो जो केन है, केन से आजकल हम पेप्सी एप्सी कोक वाली वो केन वाली नहीं पीते रहते हैं, तो वो केन जो बिल्कुल ढीली होती है वो हाथ से ही पचक जाती है, तो वो टिन धातु होती है। अब जब दो धातु आ गई, एक बहुत कठोर और एक बहुत हल्की, तो इनने क्या किया, दिमाग लगा के दोनों को मिक्स कर दिया और इस मिक्स करने से जो नई एक धातु बनी, धातु क्या थी वो तो एक उसको हम बोल सकते हैं अयस्क बोल सकते हैं, जिसको मिला दिया गया है, यौगिक जिसको कह सकते हैं, तो वो जो बना उसको ही तो कांसा कहते हैं। कांसा बनता है दो धातुओं से, तांबे और टिन से मिलकर, ठीक है। सो इसीलिए जब कांसे की सब ज्यादा वस्तुएं हमें मिली हैं तो टिन का ज्ञान होगा, तो ही ऐसा तो है नहीं कि होगा नहीं, नहीं तो कांसा आता कहाँ से, अपने आप कांसा उग के थोड़ी ना आ जाता। कांसा कोई धातु थोड़ी होती है, वो तो अधातु है, मतलब मिक्स करी जाती है, मिश्रण है, ठीक है। सो कुछ यहाँ पे विद्वानों का मतभेद हो जाता है वो सारी चीज़ें। अच्छा, सबसे पहले कपास का उत्पादन भी सिंधुवासियों ने ही किया था। कपास चूंकि वो एरिया जो है, आप बात करेंगे महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास वाला, वही इलाका है जो काली मिट्टी प्रमुखता से पाई जाती है, और काली मिट्टी जो है उसमें ही कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में होती है, बहुत अच्छे से कपास होता है। हड़प्पा 2500 से अधिक सुंदर अक्षरों की खुदवाई गई, मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, अलग अलग अक्षरों की मुद्राएं भी हमें यहाँ से मिली हैं, जो मैंने मुद्राएं आपको पिछले वीडियोज़ में दिखा चुके, है ना। सो एक बार पिछले वीडियोस को आप देख लीजिएगा अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे पुराने वाले। चलिए, यहाँ जो लास्ट चीज मुझे यहाँ डिस्कस करना है वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, लास्ट तो नहीं है, सेकंड लास्ट है। एक तो देखो यार, हमने ये नदियों की बात करी ली है, एक ये पूरी मैंने कॉपी पेस्ट करवाई है, क्या कॉपी पेस्ट करवाई है, ये टेबल है जिसमें एक ही चीज में बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या क्या मिल जाएगी, एक तो ये प्रमुख स्थलों की हमने बात कर ली है, प्रमुख स्थलों में हम देखेंगे कब इसकी खुदाई करी गई थी, कब ढूंढा गया ये स्थल, और भैया किस व्यक्ति विशेष ने इसको खोदा है, और कहां से ये अभी बिलोंग करता है। जैसे हड़प्पा सबसे पहले 1921 में खोजा गया था, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। ये मुल्तान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के, है ना, मोंटगोमरी जिले में पड़ता है, जो मुल्तान प्रांत कहलाता है बेसिकली, ठीक है। मोहन जोदड़ो की बात करें, दूसरी साइड खोजी गई थी 1922 में, और राखलदास बनर्जी ने इसको खोजा था, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध प्रांत में लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, तो वो लरकाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कालीबंगन की अगर हम बात करें तो कालीबंगन ये भारत की साइट है, राजस्थान में 53 और 60 के बीच में, ये मिस्टर ब्रजवासी लाल, बीबी लाल इनको बोला जाता है, इनके द्वारा राजस्थान गंगानगर में बिलोंग करती है। चनहूदड़ो जो है वो भैया इनकी बगल में ही है, मोहन जोदड़ो के बगल में, सिंधु के किनारे ही है, ठीक है। मजूमदार साहब ने 1931 में इसकी खोज करी थी, और ये सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही पाई जाती है। लोथल जो है ये गुजरात का नगर है, और ये इसको बंदरगाह नगर कहा जाता है भारत का, ठीक है। सो 1957 में इसको खोजा गया था रंगनाथ राव के द्वारा, ठीक है, और फिर से 64 में दोबारा इसकी खुदाई करी गई थी गुजरात में, ये मिलता है, ठीक है। सुतकोगदा 69 की बात है, 1969 में ये जगतपति साहब ने इसको खोजा था कच्छ गुजरात में, ये भी मिलता है। रंगपुर माहर रिवर पे है, और रंगनाथ राव ने ही इसको खोजा था, ये अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। साथ ही साथ बनावली की अगर हम बात करें तो 1973-74 में ये रविंद्र सिंह बिष्ट साहब हैं जिनने इसको खोजा था, हिसार हरियाणा, आपने नाम सुना होगा। सुत का गेंडोर का नाम सुना है, सुत का गेंडोर हमने कहा था पश्चिमी बिल्कुल पश्चिमी छोर है सिंधु सभ्यता का, जो बलूचिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला जो हिस्सा है, तो 1962 में इसको खोजा गया था जॉर्ज डेल्स के द्वारा। ऑरेंज स्टाइल भी है इसमें, एक महोदय इनके सहयोगी, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में ये जगह मिली हुई है। नदियों की बात हमने करी चुकी है कि कौन सी नदी पे है, जैसे अगर हम बात करें तो हड़प्पा रावी नदी पे है, मोहनजोदड़ो सिंध नदी पे है, ठीक है। कालीबंगन जो है घग्गर रिवर पे है, चनहूदड़ो भी सिंधु पे है, लोथल जो है भोगबा रिवर पे है, सुतकोगदा भी भोगदा पे है, रंगपुर जो है वो भादर रिवर पे है, बनावली जो है वो सरस्वती बोल तो दिया जाता है, लेकिन इसको लूनी नदी बोला जाता है, जो लूनी अभी एकमात्र बची
राजस्थान की नदी है वही, सुतकोगदा दास करेबर पे, ठीक है। सो ये सारी चर्चाएं जरूरी है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बस एक चीज बची है कि किस जगह पे हमें कौन कौन सी उत्खनन में सामग्रियां प्राप्त हुई, ठीक है। सो वो और हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, और मेरे ख्याल से फिर इसके बाद सिंधु घाटी से संबंधित हर एक छोटी छोटी चीज पर हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ नहीं बचा है। और जो बचा है तो कमेंट करके बता दीजिए कि सर ये बचा है तो मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। चलिए हम बात करने वाले हैं अभी प्रमुख स्थल और वहां से प्राप्त चीजों की। तो सबसे पहले हड़प्पा जो है उससे हमें अन्नागार मिले हैं, निचले नगर की योजना समझ में आई। हमने बात करी थी कि नगर दो भागों में बटा था, ऊपर और नीचे, ग्रिड पैटर्न जिसको कहा जाता था। तो निचला वाला जो हिस्सा था तो उस निचले नगर की योजना, क्योंकि ऊपर वाला तो सब हड़प्पा वालों ने खोद लिया था ना, वो जब ईंटें चाहिए थी है ना, सब निकाल ले गए थे। चलिए कारीगरों की यहाँ पे बस्ती पाई गई थी अलग से। मोहनजोदड़ो की अगर बात करें तो ये यहाँ पे विशाल स्नानागार जो हमने देख ही लिया था पिछले वीडियो में, सामुदायिक भवन भी है, पक्की ईंटों से बना एक बुर्ज भी मिला है, बुर्ज मतलब गढ़ या फिर किला जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। लोथल की बात करें तो लोथल से एक गोदीवाड़ा मिला। गोदीवाड़ा मतलब समझते क्या होता है, अन्नागार इकट्ठा रखने वाला, ठीक है। भवनों और दुकानों के भग्नावशेष मिले हुए हैं कहां से, लोथल से। चनहूदड़ो की बात करें तो यहां पे ईंटों के भवन मिले हैं, मन के बनाने के कारखाने, क्योंकि हमने बताया ना कि ये चनहूदड़ो क्या हुआ करता था, ये फैशन स्ट्रीट हुआ करता था, उस समय का फैशन सिटी कहलाती थी। झूमर उमर झांगर संस्कृति के यहाँ पर अवशेष भी प्राप्त हुए। कालीवंगन ये राजस्थान में पड़ता है, तो लकड़ी से बनी नालियों के अवशेष पाए गए हैं, और इस स्थल को सैंधव साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है। दो राजधानी कौन कौन सी होगी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तीसरी कालीवंगन को कहा जाता है। बनावली की बात करें तो हिसार हरियाणा में ये जगह में प्राप्त हुई है, जहाँ से तांबे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं, बाणाग्र मन के, मिट्टी की मूर्तियाँ और तौलने के बाट और लिपियुक्त मोहर भी यहाँ पर मिली है, बाट भजन करने वाला, ठीक है। कोटदीजी, कोटदीजी की बात करें तो ये मोहनजोदड़ो से 40 किलोमीटर दूर सिंध में ही स्थित है, सिंध मतलब सिंधु नदी के पास, सिंध क्षेत्र में। पत्थर की बनी मकान की नींव मिली है, कच्ची ईंटों की दीवारें मिली है, बाड़ागर कोटगिरी संस्कृति के अवधेक भी प्राप्त हुए हैं। सुतका गेंडोर की बात करें, दास करेबर पर है ये, हमने बताया है, बलूचिस्तान में पड़ती है, पाकिस्तान में, और पश्चिमी सीमा है इसकी, बंदरगाह नगर ही था, दुर्ग भी मिला है, नगर योजना के साक्ष्य भी हमें मिल जाते हैं। डावर कोट की बात करें तो डावर कोट जो है वो कांधार में स्थित है, प्राक हड़प्पन और हड़प्पेतर संस्कृतियों के यहाँ साक्ष्य मिले हैं, मतलब पुरानी हड़प्पा और हड़प्पा के बाद थोड़े बहुत के साक्ष्य यहाँ पे मिल जाते हैं। रोपण जो है वो पंजाब में मिलता है, और यहाँ पे कांच की मिट्टी जो है, विभिन्न प्रकार के आभूषण हैं, तांबे की कुल्हाड़ी है और मोहर वगैरह, साथ ही साथ कच्ची ईंटों के बने हमें चीज़ें मिली हुई हैं, और बर्तन भाड़े तो मिलेगी, ठीक है। सो ये प्रमुख प्रमुख चीज़ें और बता दें, चलो ठीक है लो और देख लो। बाड़ा की बात करें तो रोपड़ के पास ही स्थित है, प्राग हड़प्पन संस्कृति के और मिट्टी के बर्तन मिले हैं। राखीगढ़ी जींद के पास में है, जहाँ पे मोहर मिली हुई है, संस्कृति के अवशेष मिले हुए हैं। संघोल की बात करें तो चंडीगढ़ से 40 किलोमीटर दूर मकान की दीवारें, मिट्टी और मिट्टी से बनी सारी चीज़ें, ईंटें हो गई, ये सारी चीज़ें मिली हैं। मालवण की बात करें तो गुजरात के सूरत में है ये, ताप्ती नदी पे है, जहाँ पे सिंचाई की एक नहर, कच्ची ईंटों का चबूतरा, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें मिली हैं। सुरकोद्दा पे कच्छ जिले में है ये स्थित, आवासीय मकान, गढ़ी कच्ची ईंटों के मकान, अस्थि कलश भी मिले हैं, और यहाँ पे कब्र भी मिली है, अग्निकांड के प्रमाण मिले हैं, मतलब रोजादी। ये राजकोट गुजरात में है, जहाँ पर भीषण अग्निकांड के साक्ष्य मिले हैं, मिट्टी के बर्तन भी और आभूषण प्राप्त हुए। रंगपुर में हम बताएं तो भैया यहाँ पे दुर्ग मिला है, इमारत, नालियाँ, मिट्टी के बर्तन, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त हुई हैं। और जो मितालन है ये हरियाणा में मिल रहा है, जहाँ पे दो चरण में विकासशील पतनोन्मुख सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। पहले चरण में गढ़ी निचले नगर की योजना और सुनियोजित नगर विन्यास के अलावा, दूसरे चरण में पुरानी और खंडित ईंटों से बने मकान, आभूषण, खिलौने, तांबे के उपकरण आदि प्राप्त हो जाते हैं। बड़गांव और अंबाखेड़ी जो है ये उत्तर प्रदेश में मिल रही है, सहारनपुर के पास और यमुना नदी की सहायक नदियों पर ये मतलब अवस्थित है। तो यहाँ पे कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ, सॉरी मिट्टी कांचली मिट्टी और चूड़ियाँ, तावे का एक छल्ला भी मिला है और मिट्टी के बहुत सारे बर्तन मिले हैं, साथ ही कुछ मोहरों की भी प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार मैं आपको बता दूं तो इतने सारे हैं, देखो यार हैं तो 1500, फिर पढ़ने को एक एक पढ़ोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। ये प्रमुख हैं जो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये मान के चलिए बिल्कुल छोटे लेवल से बड़े लेवल तक की हर चीज़ आपको यहाँ पर मिल चुकी है। अब इससे ज़्यादा सिंधु घाटी आपको पढ़ना नहीं, आपको तब पढ़ना है सिंधु घाटी जब आप तो या तो भैया PhD कर रहे हो, और या फिर कोई आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट काम, खुद ही पुरातत्वविद रहे हैं तो उसमें इंटरेस्टेड के लिए आपको इससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बाकी इतनी जानकारी जो है वो काफ़ी है, एक
जीरो से हीरो बनने के लिए, तो ये पर्याप्त है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम चर्चा किसकी करेंगे, किसकी करेंगे भाई। सिंधु घाटी खत्म हो गई, अब सिंधु घाटी के बाद क्या हुआ, क्या हुआ, तो वैदिक काल आया, वैदिक सभ्यता आई, उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.